मुझे खुशी है इस बात की कि किसान पीछे नहीं हटा, सरकार को पीछे हटना पड़ा। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव में किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ करके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। इसी गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के और उत्तर प्रदेश के आखिरी कोने में जो जिला है गाजीपुर, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया यहां का किसान, यहां का नौजवान करके दिखाएगा। वो याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ गए, और जिन हवाई जहाज में बैठना था वो भारतीय जनता पार्टी ने हवाई जहाज बेच दिए, और जहां हवाई जहाज खड़ा होता है वो हवाई अड्डा बेच दिया, और डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। बताओ पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और वो लाल वाला सिलेंडर कोई भरवा पा रहा है कि नहीं भर पा रहा है? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तो लाल टोपी से घबराए थे, ये जब से हरी टोपी आ गई है तब तक उनका होश उड़ गया है। बताओ लाल और हरी सफेद से ये घबरा गए कि नहीं घबरा गए? और ये जो पलायन की बातें कर रहे हैं, आपने तो अखबार पढ़े होंगे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, फिर बाबा मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे, फिर बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनका ऐसा राजनीतिक पलायन कराया कि उन्हें घर पहुंचा दिया। बताओ वो घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? और कम से कम समाजवादी लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने सड़क ऐसी बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बताओ ऐसी कोई सड़क बनाई हो तो बता दो, कोई सड़क बनाई हो तो बता दो। उनकी सड़क पे तो उनके प्रिय जानवर आ रहे हैं, बुल आ रहे हैं बुल। बताओ इस बार बुल और बाबा को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही उन्हें पैदल पैदल कर दिया था, याद है कि नहीं याद है? पैदल पैदल कर दिया था। अभी तो आपने वोट नहीं डाला है, जब हापुड़ के लोग वोट डालेंगे धौलाना में, जब वोट पड़ेगा गढ़मुक्तेश्वर में, और जब वोट पड़ेगा हापुड़ में, तो बताओ पैदल पैदल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ इन्हें पैदल करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए ये हमारे और सबसे बड़े नेता और देश के अभी तक के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की जन्म स्थान है, जम्मू की धरती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके पास खेत और गन्ना ना हो। ये जो जिन्ना जिन्ना चिल्ला रहे हैं वो बताओ गन्ना गन्ना चिल्लाएंगे कब चिल्लाएंगे? और अभी भी बकाया है आपका पैसा, अभी भी सरकार भुगतान नहीं करा पाई। लेकिन मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में तय किया है कि 15 दिन के अंदर किसानों का गन्ने का भुगतान होगा, और सरकार बनने के बाद हापुड़ के किसी किसान का कोई पैसा किसी चीनी मिल के पास बकाया नहीं होगा। अगर
सरकार को भी देना पड़ा, अगर सरकार को भी देना पड़ा तो सरकार से दे करके आपके आंदोलन पे कभी भी धरने पे नहीं बैठने देंगे। इसीलिए गठबंधन ने तय किया है कि चाहे हमें फार्मर्स फंड बनाना पड़े, एक बजट से पैसा अलग निकाल के रखना पड़े, वो रखेंगे, आपको मिल पे धरना ना देना पड़े, डीएम के धरना ना देना पड़े, आपका भुगतान 15 दिन के अंदर हो जाए, ये इंतजाम अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। जब आपका बिजली का बिल आता है तो बताओ करंट आता है कि करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल जब आपका आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। ये बाबा मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले स्मार्टफोन बांट रहे थे, स्मार्टफोन, मुझे नहीं लगता किसी नौजवान को स्मार्टफोन दिया होगा उन्होंने, और उन्होंने वादा किया था कि लैपटॉप भी देंगे, और उन्होंने लैपटॉप इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। बताओ बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला पाते होंगे? और अब जाकर के टैबलेट दिए, टैबलेट, और 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट देते रहे ये बताओ, कौन सी टैबलेट देते रही है? इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, चुनाव तो आप बहुत आगे हैं, चुनाव में आप बहुत आगे हो, चुनाव में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर आपने वोट नहीं डाला, तो हम और आप लोग पीछे रह जाएंगे। इसलिए बताओ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? कोई वोट छूट ना पाए, सबको मनाइए, समझाइए और वोट डालिए, और आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेगा। ये जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता गली गली घूम रहे हैं, ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग मैन टू मैन कैंपेन कर रहे हैं। बताओ आप लोग जाओगे घरों में कि नहीं जाओगे लोगों को मनाने? और वो लोग कर रहे हैं वर्चुअल रैली क्योंकि उनके पास माल बहुत है। वर्चुअल रैली क्या होती है हमें नहीं पता, उनका माल बहुत है, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता फिजिकल रैली करेंगे, उनकी बैटरी डाउन हो जाएगी, लेकिन हमारी समाजवादियों की और आरएलडी वालों की कोई बैटरी डाउन नहीं होगी, उनकी वर्चुअल रैली की बैटरी डाउन होगी, लेकिन फिजिकल रैली करने वालों की कोई बैटरी डाउन नहीं होगी। इसलिए आपसे मेरी अपील है कि ये चुनाव आपके भविष्य का है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, और जब भविष्य के बारे में सोचोगे, आज कोई समाजवादियों का मुकाबला नहीं कर सकता काम पर, अगर एम्बुलेंस किसी ने चलाई और कोरोना के समय पर किसी को एम्बुलेंस की मदद हुई तो बताओ समाजवादियों की एम्बुलेंस ने मदद की कि नहीं की? और ये पुलिस वालों को चलने के लिए सबसे ज्यादा गाड़ी समाजवादियों ने दी। अभी थोड़ा बहुत नाराज होंगे आपसे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पहुंचेगा आपकी तरफ ही देख रहे हैं, इनको भी अगर किसी ने गाड़ी दी है, ये लोग थाने में डीजल पेट्रोल के लिए पैसा मांगते थे, आप पता कर लो, हमारे जाने के बाद किसी भी पुलिस अधिकारी से पूछ लेना, पहले थाने में गाड़ी चलाने के लिए पैसा मांगते थे, जब तक कोई पैसा न दे दे डीजल पेट्रोल के लिए तब तक पुलिस नहीं चलती थी, लेकिन 100 नंबर ला करके समाजवादियों ने सबसे अच्छा काम किया है, फोन मिलाइए पुलिस पहुंचेगी और आपकी मदद करने का काम किया।
समय में अगर पुलिस को और बेहतर करना पड़ेगा, इस तरह की गाड़ियों को और बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि कम समय में मदद के लिए पहुंच जाए, वो समाजवादी लोग 100 नंबर की गाड़ी को बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा जी ने एक ही काम किया, 100 का 112 कर दिया। वो नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं, आप उड़ाए के नहीं आए थे, लेकिन नाम नहीं बदल के गए, पता नहीं क्यों भूल गए। हो सकता है किसी धुएं की वजह से भूल गए, लेकिन जहां जाते हैं वहां नाम बदल लेते हैं। इसलिए ये आपके अपने भविष्य का चुनाव है, किसान की खुशहाली का चुनाव है, किसान के तकलीफ परेशानी को दूर करने वाला चुनाव है। खाद नहीं दे पाई है किसानों को, महंगाई बढ़ा दी इन्होंने, फसल नहीं खरीदी। इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के साथ आए हैं जिससे हम किसानों का भला कर सकें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जहां महंगाई को रोकने का काम करेंगे वहीं किसान हमारा खुशहाल हो, उस तरह के रास्ते पे चलने का काम करेंगे। ये जहां चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव है और आपके मान सम्मान का चुनाव है, संविधान को बचाने वाला चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है, और जब से समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी आ गए हैं ये चुनाव न जाने कहां पहुंच गया है। इसलिए आप सब लोग जहां मान सम्मान से जोड़ करके चुनाव को, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को बचाने वाला भी चुनाव है। इसलिए एकजुट होकर के इस चुनाव में भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम करना, और जो हमारी सदियों से गंगा जमुनी तहजीब रही है उसको बढ़ाने का काम करना। नकारात्मक राजनीति हम लोग नहीं करते, हम लोग समाज में कहीं खाई पैदा नहीं करते, जो लोग खाई पैदा करते हैं वही है भाजपाई। इसलिए भाजपाइयों से सावधान रहना और साइकिल चुनाव चिन्ह पर और हैंडपंप पर वोट डाल करके आप ऐतिहासिक जीत दिलाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पार्टी में शामिल होने वाले कृष्ण सिंह भूड, हाजी छप्पन जी, अर्जुन जाटव जी, हरिओम चौहान, हाजी सराब, जयवीर प्रधान और बड़ी संख्या में इनके साथ ये लोग आए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जयंत चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। साथ ही अफजाल चौधरी, शहनवाज और नौसाद, इनका भी धन्यवाद देते हैं। हमें उम्मीद है कि सब लोग मिलकर के एक साथ चल करके समाजवादी पार्टी और आरएलडी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। आप सबको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।